हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ स्तोता। मैं स्तोता आ गई हूँ आज एक नया टॉपिक के साथ। आज हम सिंपल इक्वेशन का क्या सीखेंगे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी पोर्शन पार्ट वन में क्या सीखे थे, पार्ट वन में कैसे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, ये सीखे थे। अब ये इस पार्ट में हम सीखेंगे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, इसके लिए हम दो मेथड अब सीखेंगे। एक है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है ट्रांसपोजिंग मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन फॉर्म हो गया तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो हम थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, एक इसके लिए 4.1 एक्सरसाइज के लिए, 4.1 एक्सरसाइज के लिए जो जो थ्योरी कवर करने से इजी होगा एक्सरसाइज सॉल्व करना, वो मैं कर रही हूँ। देखो, एनसीईआरटी का बुक में जो है वो तो है ही, ऊपर से क्या है कुछ कुछ थ्योरी मैंने ऐड की हूँ, जैसे तुम्हारा एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो जाए। जैसे ए पार्ट देखो, एनसीईआरटी बुक में नहीं था, लेकिन मैं इसको तुम्हें थ्योरी पोर्शन में ऐड किया। तो चलो, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले मैंने क्या बोला था, जब रोनित और सुमित का एग्जांपल दिया था, तब क्या था, रोनित ने सुमित ने रोनित को समझाया था जो कैसे हो रहा है, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, ऐसे करके हमारा आंसर मिला। रोनित ने क्या पकड़ रहा था, पहले नंबर था 5, तो वो था हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करना है, एक नंबर जो सॉल्यूशन होगा वो नंबर पहले गेस करना पड़ेगा। वो गेस करके क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसमें वो वैल्यू तुम पुट करोगे। ठीक है, अब पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो रहा है, मतलब वो ही तुम्हारा आंसर है। बट राइट हैंड साइड के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू हो रहा है, मतलब वो तुम्हारा आंसर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, वो आंसर नहीं है तो नेक्स्ट नंबर से तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। तो ऐसे लगातार तुम्हें ट्राई करके जब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तब तुम्हारा इक्वेशन होल्ड किया, तब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। ये हो रहा है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलो क्या है, एक बार वो स्टेप वाइज देख लेते हैं। वी ऑफन मेक ए गेस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट मतलब क्या है, सॉल्यूशन, जो आंसर। ठीक है, अब वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन फॉर डिफरेंट वैल्यू। जैसे मैं बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल से देखो, मैंने लिया 4x प्लस 5 इक्वल टू, मैंने लिया 13। ओके, अब देखो x इक्वल टू पहले 1 ले लिया, तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 5 करोगे। अब देखो 4 प्लस 1 क्या हो रहा है, 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 तो 9 हो रहा है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा 13 है। तो x इक्वल टू 1 हमारा आंसर नहीं है। ये जो x इक्वल टू 1, इस 1 को हम रूट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो, मैं x इक्वल टू 2 ले रही हूँ। ठीक है, 2, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4, देखो 4 एक्स है, 4 इंटू 2 प्लस 5 तो 8 प्लस 5 13। देखो राइट हैंड साइड में 13 है, इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, इसका मतलब हमारा x इक्वल टू 2 सही आंसर है, तो सही गेस है। ये हो गया हमारा आंसर, यही बोल रहा है पॉइंट 2 में। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, वही आंसर है। तो x इक्वल टू 2 में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ, इसका मतलब आंसर क्या है, x इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5 डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो गया हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो ट्रांसपोजिंग मेथड। अब देखो ट्रायल एंड एरर मेथड हम पहले करेंगे, लेकिन ट्रांसपोजिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने बार तुम करोगे ऐसे ट्रायल करके, पहले करो, उसके बाद ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है। ट्रांसपोजिंग सुन के कैसे लग रहा है ना, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यही करते हैं ना। तो ये मेथड में वही है, जैसे मैं लिख रही हूँ, लास्ट एग्जांपल क्या था मेरा, 4x प्लस 5 इक्वल टू 13, यही था ना। तो कैसे हमने किया,
मिरर मेथड में दिखाया। अब देखो ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या है ना, अभी तुम्हें एक वेरिएबल है इसमें देखो x, x को तुम लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सब को क्या करोगे राइट हैंड साइड में भेजोगे। अब राइट हैंड साइड में तो ऐसे नहीं भेज सकते हो, देखो तुम किसी भी रिलेटिव का घर जाओगे तो तुम ऐसे नहीं जा सकते, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन होना चाहिए। देखो घर में तुम क्या करते हो, मम्मी के पास जाते हो, कुछ भी खाने का मन है तुम बोलते हो मम्मी ये दे दो मुझे खाना है, ये दे दो मुझे ये गिफ्ट चाहिए, ये वो चाहिए, ये टॉय चाहिए, ऐसे तो बोलते हो ये गेम चाहिए। लेकिन जब तुम रिलेटिव के घर जाते हो तब कि तुम ऐसे बोलते हो जो मुझे ये दे दो, जैसे मामी के घर गए हो कोई भी रिलेटिव के, मामी मुझे ये दे दो वो दे दो, नहीं बोल सकते। ये क्या है बैड बिहेवियर है, तुम्हें क्या थोड़ा अलग से रहना पड़ता है, मम्मी पापा के साथ जैसे बिहेव करते हो थोड़ा अलग से रहना पड़ता है। ये भी देखो इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब जाएगा तब इन लोगों का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके आगे पीछे जो साइन है उसका चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा देखो, क्या था 4x + 5 = 13 था, तो क्या करना है क्या करोगे और साइन डालना पड़ता है ट्रांसपोजिंग मेथड में, ट्रांसफर होगा तो पहले क्या करोगे 4x रखोगे, उसके बाद इक्वालिटी साइन डाल के 13, ये वाला 13 तुमने राइट हैंड साइड में जो था लिख लिया। अब क्या करोगे इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजोगे, तो क्या करोगे पहले 5 लिख लो। अब देखो अब बिहेवियर चेंज करना है, रिलेटिव का घर जा रहा है तो देखो इसमें क्या था प्लस साइन था, उसमें जाएगा तो क्या होगा माइनस साइन हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में 4x लिखो, उसके बाद 13 - 5 करने से क्या होता है 8 होता है, तो 8 लिख लो। अब देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बोलता है जे तुम सब लोग चली जाओ रिलेटिव के घर चली जाओ, मैं कुछ दिन के लिए शांति से घर में रह जाऊं, ठीक है तो मुझे काम, जैसे देखो हम लोग कुछ टाइम के लिए देखो मम्मी के छोड़ के तो हम रिलेटिव के घर नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ भी इधर उधर जाते हैं एक दिन के लिए तो मम्मी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, वो अकेले थोड़ा अपने लिए खाना भी ठीक से नहीं बनाता है, जिस दिन हम कोई भी घर में नहीं रहते हैं सिर्फ मम्मी रहते हैं उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो वेरिएबल भी वो मम्मी की तरह है, वो बोले तुम सब लोग ही चले जाओ मुझे अकेले छोड़ के, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं उसके बाद तुम लोगों का जो भी फरमाइश है फिर से स्टार्ट कर दूंगी वो करना, ठीक है। तो ऐसे भी एक्स को हम मम्मी समझेंगे, वेरिएबल समझेंगे तो एक्स को उधर छोड़ देंगे और इक्वल टू साइन डाल के इसमें देखो 8 है। अब एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ क्या है देखो, एक्स के साथ 4 है, तो 4 क्या होगा राइट हैंड साइड में जाएगा, लेकिन 4 क्या है इसमें मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8/4 होगा। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, x = 8/4 मतलब 8/4 करने से 2, तो हमारा आंसर x = 2 मिला। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में भी हमें 2 मिला था, देखो प्रोसीड्योर जो भी हो सकता है लेकिन आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ए हो गया हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड, तो इसका जिस्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चेंज करेगा तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं चेंज होगा, लेकिन उसके आगे उसके साथ जो भी साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अब लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस होगा, अन वाइस वर्सा। अब देखो उसमें माइनस है राइट साइड में, इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और क्या है प्लस माइनस का जुड़ी है, और इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन डिविजन का है, मल्टीप्लिकेशन है तो साइड चेंज करेगा तो डिविजन होगा, डिविजन है तो साइड चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन होगा, यही है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड, और यही यूज होता है, बहुत अच्छे से देख लो ध्यान से सीखो। तो अब पॉइंट करके क्या लिखी हूँ, जो इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ वही पॉइंट करके मैं लिखी हूँ, तो चलो एक बार देख लेते हैं। ट्रांसपोजिंग मीन्स मूविंग टू अदर साइड, मूविंग टू अदर साइड मैं बोल के आई हूँ। अब देखो एनी टर्म्स ऑफ इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विथ साइन चेंज विथ आउट एफेक्टिंग द इक्वलिटी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्लस साइन ऑफ द टर्म्स चेंज इनटू माइनस साइन एंड मल्टीप्लिकेशन चेंज इनटू डिविजन, यही है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है।
तो अब क्या है, इक्वेशन फॉर्म करना है हमें, इक्वेशन फॉर्म करना है। वो कुछ इक्वेशन, एग्जांपल मैंने 1 2 ले लिया जो बुक में है ऑलरेडी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक बार सॉल्व करके देती हूँ, जैसे एक्सरसाइज समझने में बहुत इजी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है देखो, एग्जांपल राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखो इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व बाद में करना है। एक्सरसाइज 4.1 में हमें जस्ट फॉर्म करना है। तो फर्स्ट क्या है देखो, सॉल्यूशन 1 फर्स्ट क्या है देखो, फर्स्ट है द सम ऑफ 3 टाइम्स x, सम ऑफ 3 टाइम x एंड 11। देखो 3 टाइम ऑफ एक्स मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो 3x, इसके साथ सम बोल रहा है, सम मतलब प्लस, 11 इज 32 मतलब इक्वल टू 32, ए लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ ए नंबर, ए नंबर बोल रहा है, तो तुम जो मर्जी ले लो। देखो इसमें तो एक्स बोला था, एक्स ले ले, अब वाई ले लेते हैं, कोई भी मर्जी ले लो, तुम फिर से एक्स भी ले सकते हो। अब देखो वाई 6 टाइम ऑफ ए नंबर, तो मैंने 6y ले लिया, ठीक है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ ए नंबर, तो 6y से तुम्हें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद क्या, यू गेट 7। तो ये करने से क्या मिलेगा, तुम्हें आंसर मिलेगा 7, तो लिख लो 7। नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 ऑफ एम, 1/4 ऑफ एम कैसे लिख सकते हैं, देखो एम बाय 4, इसको आप 1/4 ऑफ एम बोलते हैं। 1/4 ऑफ एम इज मोर देन, इज 3 मोर देन 7। तो देखो 1/4 ऑफ एम इज 3 मोर देन 7, तो बोल रहा है 1/4 ऑफ एम ले लिया तुमने, अब देखो इसको इक्वल टू 7 नहीं कर सकते हो, ये बोल रहा है 1/4 ऑफ एम बाय, एम बाय 4 का वैल्यू 7 से क्या है, 3 ज्यादा है, तो क्या 7 से 3 ज्यादा है, मतलब एम बाय 4 माइनस 7 इक्वल टू 3, 1/4 ऑफ एम इज 3 मोर देन 7, तो देखो 1/4 ऑफ एम हो गया। अब देखो माइनस 7 करने से 3 मिल रहा है, ए बोल रहा है, ठीक है। अभी 4 में क्या है, 1/3 ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर ले लो, क्या लेंगे बोलो, एम लेंगे, चलो तो 1/3 ऑफ ए नंबर ए, तो एम थर्ड बोला, 1/3 तो एम बाय 3 होगा, प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, इज 8, तो ए होगा 8। तो देखो ये क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ था, हमें इक्वेशन लिखना पड़ा। अभी क्वेश्चन ए भी आता है, इक्वेशन है तुम्हें स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल वही है, ऐसे देखो एग्जाम में आएगा, हम एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, कॉन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, तो स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 क्या है देखो, x माइनस 5 इक्वल टू 9, तो लिखो सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम ए नंबर x इज 9। देखो सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम ए नंबर x, तो देखो फ्रॉम ए नंबर x सब्ट्रैक्ट 5 इज 9 इक्वल टू 9 हो गया। नेक्स्ट क्या है देखो, 5p इक्वल टू 20, तो p का 5 टाइम्स क्या हो रहा है, उसका वैल्यू हो रहा है 20, तो लिखो 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर P इज 20। देखो 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर P, 5p इक्वल टू 20, ठीक है। 3 देखो क्या है, 3n प्लस 7, 3n प्लस 7 इक्वल टू 1, तो लिखो 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 7 इज 1,
3 times 3 times 3n + 7 + 7 = 1 = 1 ओके नेक्स्ट क्या है फोर फोर में क्या है देखो m by 5 minus 2 equal to 6 तो क्या करोगे subtracted 2 from देखो m by 5 मतलब 1/5 of m is 6 तो क्या हुआ 1/5 of m मतलब m by 5 subtracted from 1/5 of m मतलब minus 2 equal to is 6 ये हो गया हमारा एग्जाम्पल टू का सोल्यूशन तो देखो इस टाइप का एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू इस टाइप का क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे तो ये थ्योरी पोर्शन अच्छे से ध्यान से सीख लेना इसके बाद जो एक्सरसाइज हो रहा है ये बहुत इजी हो जाएगा मेरा हेल्प ही नहीं लगेगा मैं हेल्प कर दूंगी वो अलग बात है लेकिन मेरा हेल्प लेके तुम देखना जे तुम ठीक करे हो कि नहीं करी हो लेकिन मेरा हेल्प नहीं लगना चाहिए ये अच्छे से समझ जाओगे और देखो मैजिक क्लियर हुआ तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।